ऐसी जजा सजा में उलझने लगी हयात। दिन की तरह है दिन ना कोई रात जैसी रात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरात। ज़मीर की हर पल है मेरी ज़ात। अब तो चलन है ऐसा कि मुमकिन नहीं निजात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरात। आंटी मुझे मार रही हैं। I'm gonna leave this house and go. मुझे दो, मैं बताती हूँ ना तुम जो हरकतें करी। शाकिर, इतने शराब पी रखी है, मुझसे अब ये नहीं संभलती। आप आए उसे संभालें। क्या क्या कह रही हो? अलीना को फोन दो। जब खैर से बहू घर में आ जाएगी ना, तो फिर आप भी बदल जाएंगे और हम भी। मैं आइडियल नहीं बनाती, हाल बता अल्लाह से दुआ जरूर करती हूँ कि मुझे हस्बैंड के रूप में एक बहुत अच्छा इंसान मिले। जब उसे पहली बार देखा था, उसी दिन समझ आ गई थी कि I'm in love with her. So, it was love at first sight? I guess. मोहब्बत के लिए कभी कभी एक ही लम्हा, एक ही नजर काफी होती। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह मुबारक है। मुंह मीठा कराओ बेटा। खुश रहो, खुश रहो। जी मैं चलती हूँ अब। अल्लाह मियाँ हम सबको हजारों खुशियाँ। आप दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हैं। लगता है अल्लाह मियाँ आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसने तो आपको सब कुछ दे डाला है। अच्छा ये बताएं, इन सब चीजों में से कीमती चीज कौन सी है? दादो। दादो? नहीं, दादो का पोता। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? मुन्नी, सुबह रजिया आप आएंगी, उनको ये दुपट्टा दे देना और वो कुछ और कपड़े भी देंगी कढ़ाई के लिए, संभाल कर रखना अलमारी में। पापा तू अब और काम क्यों ले रही है, तेरी तो शादी होने वाली है। शादी जब होगी तब देखी जाए। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। किसने कह दिया तुझसे? आज आयदा पुप्पो आई थी। मुन्नी तुझे कहा भी था कि राशिद के मैले कपड़े धो देना, तूने धोए नहीं। और हाँ सुनो, तुम दोनों मिलके घर की सफाई कर लेना, शादी का घर गंदा अच्छा नहीं लगता। किसकी शादी? तेरी शादी और किसकी शादी? ज़ायदा आई थी, मैंने शादी की बात पक्की कर दी है। मुझसे पूछे बगैर? ना, तुझसे क्यों पूछती? तू मेरी माँ है या मैं तेरी माँ हूँ? खुदा के वास्ते मेरे पर्चे होने वाले, तो उसके बाद मेरी शादी कर देना। बात सुन, मुझे अपने घर का सुकून देखना है, तेरे इम्तहान नहीं देखने। ये जो तू राशिद से रोज लड़ाई करती है ना, लगता है कि वो तेरा भाई नहीं दुश्मन है। क्या बहनें ऐसी होती हैं? तो क्या तू सिर्फ मुझे इसलिए निकालना चाहती है कि? हाँ, मैं रोज रोज की चिक चिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे मेरी शादी करती है। बात सुन, इस उम्र में तू मुझे जलील कराएगी? मैंने ज़ायदा को जुबान दे दी है, अगर तूने जुबान खोली ना तो अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगी, समझी?
बदतमीज, तू क्या देख रही है मुझे? हाँ अगेन, डोंट डिस्टर्ब मी राइट नाउ। क्या अलीना, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है। पर मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है नगीन। तुम असद के घर थी ना, वहां से बताए बगैर क्यों आ गई? इट्स माई विश मैं कहीं रहूं या नहीं। तुम्हें पता है कि असद तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था, जानती हो तुम ये बात? Who the hell is असद जो परेशान हो रहा है मेरे लिए? I don't even know असद। केवी जी फोन सुन लेना, पता नहीं किस बेचारे का फोन आ रहा है। इतना शौक है इस बेचारे से बात करने का तो खुद कर लो। जी नहीं। उसे पहली बार देखा और उससे मोहब्बत हो गई। कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें एक दूसरे से मोहब्बत होती है, और मैं? अरे रुको, तो सुना है शादी से पहले बीवी की बहनें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रोल? मेरा मतलब है ताल्लुक बढ़ाने में, बातचीत बढ़ाने में। मैं समझी नहीं। मेरा ये तोहफा दे पाएंगी मम्मा? मरियम बेटा आप भी यहाँ आ जाइए। मेरा ख्याल है अब हम चलें सीतो तापा, क्योंकि बहुत देर हो गई है। जैसी आपकी खुशी। असद बेटा जी, निजाम से कहिए मेहमानों को घर ड्रॉप करके आए। जी जी चलिए। क्या बता दो आप ही बेटा, उस बच्ची के इम्तिहान होने वाले हैं, आप क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? जाइए उनको छोड़ के आइए। अच्छा बताओ मुझे, पहले बताओ ना, आप ही छोड़े ना। पहले मुझे बताओ। अच्छा बैठो। और अब मुझे बताओ तुमने क्या कहा? अच्छा बताती हूँ, ना। अच्छा सही, अब बताओ क्या कहा उन्होंने? आप यही सुनना चाह रही ना कि असद भाई ने आपके बारे में क्या बात की? उन्होंने आपके बारे में कोई बात नहीं। सच कह रही हो? लो भला मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि मेरा जिक्र इतने सारे लोगों के सामने करना मुनासिब ना समझा उन्होंने। जी नहीं, वो मेरे साथ काफी देर तक बैठे रहे, मगर मजाल है जो आपके बारे में कोई बात की हो। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी कि वो मेरे जरिए आपके पास पैगाम मोहब्बत पहुंचाएंगे? वो तो यूं संजीदा बैठे थे जैसे उन्हें ये रिश्ता मंजूर ही ना हो। लेकिन असद तो, अब क्या हुआ? पता नहीं कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया। आप क्या समझी कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं? मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ। अब क्या करेंगी आप? कुछ नहीं। अच्छा
कोई बात नहीं, आप तो उनसे मोहब्बत करती हैं ना। वो तो कुछ भिजवा रहे थे। क्या? मोबाइल। वो तो आपसे बात करने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे, मगर दादू ने देख लिया। मरियम की बच्ची, तुमने मेरी जान निकाल दी थी, भाग। जनाब, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इस बात का अंदाजा हो गया मुझे। यही तो यकीन नहीं आ रहा कि क्या? कुछ नहीं। आप भी बताएं ना। नहीं, प्लीज बता दें, बता दें। नाजिर अली, शाकिर अली अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। छोटों से गलतियां हो ही जाती हैं और बड़े इसलिए होते हैं कि उनका जर्फ बड़ा होता है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने बड़े होने का सबूत दो और शाकिर अली को माफ कर दो। मगर आपा, मिले शिकवे तो जिंदगी भर होते हैं, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, आने वाले दिनों को खुशगवार बनाओ। शाकिर अली, जाओ भाई बाबा से माफी मांगो और गले मिलाओ। भाईजान मुझे माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हुई है। भाभी आप भी मुझे माफ कर। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपने सगे भाइयों की तरह समझा, लेकिन मैं आप लोगों की मोहब्बतों का हक अदा नहीं कर सका। इसकी वजह नुदरत है। नुसरत अगर जिंदा होती तो तुम कभी ना बदलते, लेकिन नुदरत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम लोगों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक और फैसला किया है। क्या तुम लोग मेरा फैसला मानोगे? आपका हर हुक्म हमारी आंखों पर। और किश्वर, तुम? मैंने कभी आपका कोई हुक्म डाला? मैंने फैसला किया है कि सनी और अलीना की शादी कर दी जाए। क्या? आपा भी फैसला जज्बाती होकर जल्दबाजी में तो नहीं कर रही ना? नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। लेकिन हम सनी से पूछे बगैर कैसे? तो सनी से पूछ लेते हैं। नाजिर अली, फोन मिलाओ और सनी से कहो यहाँ आ जाए। जी आपा। मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा। इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती कि उसने इस तरह की फीलिंग्स कैसे डेवलप कर ली। वो मीनिंगफुल स्माइल और उसको घर ले जाना, उसका क्या मतलब था? और यार, एक तो तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम, थोड़ा सा हंस के क्या बात कर लो, लगता है कि मोहब्बत हो गई। अलीना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और डिप्राइव भी। तुम उसे अपनी तरह स्ट्रांग और बोल्ड क्यों नहीं बनाती? यार ट्राई तो बहुत किया है, पर उसके अंदर की महरूमियां कभी उसको बोल्ड बनने ही नहीं देती। आई नो, बहुत कॉम्प्लेक्स है वो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शी इज अबनॉर्मल। जब कैथारसिस के लिए आउटलेट ना मिले तो इंसान यूं ही एबनॉर्मल लगता है। मोहब्बत के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जाए तो ऐसे ही होता है। आई डोंट नो यार, मैंने कभी भी उससे मोहब्बत नहीं की। मेरी पहली मोहब्बत सिर्फ मोमना है, मोमना ही रहे। अलीना, शायद उसने हमारी सारी बातें सुन ली। आप कौन से स्टेट में हैं मैडम? शिकागो में भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? नहीं, इन्होंने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया। अपने चाचा शाकिर अली से मिलो, 15 साल बाद दोनों भाइयों में सुलह हुई है। जी पप्पू, फरमाइए। बेटा, तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं डाली है, मेरी एक और बात मानोगे? जी बोले। देखो, काफी अरसे बाद दोनों भाइयों में सुलह हुई है। मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए तुम्हारी और अलीना की शादी कर दी जाए। मेरी और अलीना की शादी? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है?
नहीं, एतराज तो नहीं है, लेकिन बेटे दो खानदानों को अब तुम ही मिला सकते हो। लेकिन आपा 15 साल बाद अलीना कैसी होगी हम नहीं जानते, कम से कम एक बार उससे मिल तो लेना चाहिए। किश्वर, अलीना नुसरत की बेटी है, नुसरत की नहीं, और सब जानते हैं कि नुसरत की कितनी इज्जत थी पूरे खानदान में। और भाई घर की लड़की में क्या देखना भालना, हमारे जमाने में तो औलाद को पता ही नहीं चलता था और माँ बाप रिश्ता तय कर देते थे। आपा अब जमाना बदल गया है। अरे कुछ भी नहीं बदला। शाकिर अली, अलीना पढ़ी लिखी तो है ना? जी जी आपा, MBA कर दी है यूनिवर्सिटी, ये रही उसकी तस्वीर। मैं अमेरिका में जब उदास होता हूँ तो बच्चों की तस्वीरें अपने पास रखता हूँ, इन्हीं को देख के खुश हो लेता हूँ। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। लो नाजिर अली तुम भी देखो और किश्वर को भी दिखाओ। तुम भी देख लो बेटा। मेरे को सब बाबा ने और अम्मी ने देख लिया, काफी है, जैसे आप लोगों की मर्जी है। अच्छा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसी आपकी मर्जी। खुश रहो, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबियां दे। शाकिर अली मुबारक हो, जाओ और जाके शादी की तैयारी करो। शाबाश। रशीदा, मैंने कुछ कपड़े निकाले, जाते हुए लेती जाना। शुक्रिया बेगम साहबा, आपसे एक बात करनी थी। मेरी बच्ची की शादी हो रही है, अगर आप अपने जानने वालों से कहकर कुछ मदद करा दें तो मेहरबानी होगी। इस महंगाई के दौर में जहेज कहाँ से लूं? मगर तुम्हारी बेटी तो कॉलेज में पढ़ रही थी, फिर इतनी जल्दी क्यों? वो जी लड़के वाले जल्दी कर रहे हैं। क्यों, वो किसी बाहर मुल्क से आ रहा है क्या? ना जी, हमारे ऐसी कहां नसीब। और फिर आजकल लड़कियों का पढ़ा लिखा के करना भी क्या है, दो जमातें पढ़ के सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं। मेरी सिदरा को तो घरदारी का बड़ा शौक है, पर उसके लिए कपड़े बर्तन चीजें कहां से लाऊं, पैसे ही नहीं है। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मुझसे जो मुमकिन होगा मैं कर दूंगी। वो बेगम साहिबा, वो जी कपड़े और चीजें तो हो गई हैं, अगर कुछ नकदी भी हो जाती तो। ये अभी ज्यादा तो नहीं, तुम ये रख लो, बाद में जितना हो सकेगा कर दूंगी। बड़ी मेहरबानी। मैंने तुम्हें इतने बड़े बड़े घरानों के रिश्ते दिखाए और तुम ना करते रहे, सिर्फ इसलिए कि तुमने अपना कैरियर एस्टेब्लिश करना है, और जब हाँ करने पर आए तो एक मिनट में हाँ कर दी। सिचुएशन ही ऐसी थी अम्मी, और आपने शाकिर अंकल का अफसरदा चेहरा नहीं देखा था। अरे रहने दो उन्हें भी, उस वक्त तो अफसरदा नहीं हुआ था जब बड़े भाई को जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी में घसीटा। पुरानी बातें छोड़ देना अम्मी। सनी ठीक कह रहा है किशोर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अरे मुझे तो सीमा आपा पर हैरत हो रही है, ना लड़की को देखा ना भाला, पकड़कर रिश्ता तय कर दिया, भला इस तरह भी कोई रिश्ते होते हैं? आपको एतराज किस पर, मुझ पर या अलीना पर? मुझे इस तरह रिश्ता तय होने पर एतराज। अब तो जो होना था वो हो गया। आप शाकिर अली को फोन करो, मैं अलीना से मिलना चाहती हूँ। ठहरिए बाबा, अगर अम्मी अलीना को नापसंद करेंगी तो क्या आप ये रिश्ता खत्म कर देंगे? अब यह मुमकिन नहीं बेटा। तो फिर फोन करने की भी जरूरत नहीं है, रहने दें।
कामना कितनी खुशकिस्मत है जिसे इतनी बहुत सी मोहब्बत मिल रही है, इतनी चाहत, इतनी इज्जत, और मैं किस कदर बदनसीब हूं जिसकी तरफ भी कदम बढ़ाती हूँ कोई मुझसे छिन जाता है। इसने किस तरह मुझे रिजेक्ट किया है, हर कोई यूं ही करता है मेरे साथ। अलीना बेटा उठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने तुम्हारे कजन सनी के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया, 10 रोज बाद तुम्हारी शादी। क्या? किसकी शादी? तुम्हारी। किसकी? तुम्हारी, सनी के साथ। सनी के साथ? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। I hate him. बेटा वो बहुत अच्छा लड़का है। आपके उन नुदरत आंटी की तरह? अलीन, बेटा मैं तुम्हारा बाप, तुम्हारे लिए गलत कैसे सोच सकता हूँ? इसीलिए मुझे आपके किसी बात पर यकीन नहीं है। बेटा ट्रस्ट मी। नो, आई डोंट ट्रस्ट यू। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप मेरे दुश्मन हैं और नुदरत आंटी भी। अलीना, अलीना बेटा मेरी बात सुनो प्लीज। बेटा आला जर्फ लोग बात करने से पहले बहुत सोच समझकर अपने अल्फाज का इंतखाब करते हैं। हम तो ये चाह रहे थे कि मोमिना का ऐसा इस्तकबाल हो कि उसे किसी बात का एहसास ना हो। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। पर हम जानते हैं कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। किसी और से क्यों, मुझसे क्यों नहीं? मैं खाली हाथ कहाँ हूँ अम्मी? अच्छी तालीम और तरबियत के साथ जिंदगी का शऊर देकर आप भेज रहे हैं, और सबसे बढ़कर आपकी इतनी सारी दुआएं हैं मेरे साथ। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुलसरा। अम्मा, ये सब आपा की शादी के लिए तुझे लोगों ने दिए? हाँ। वाह अम्मा, तुझे तो आजकल लोग बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, तो तू ये सब क्या आपा को देगी? नहीं, मैं ये सब बक्से में बंद करके रखूँगी राशिद की दुल्हन के लिए। वो आएगी ना, वो ही इन्हें इस्तेमाल करेगी। तो तू आपा को कुछ नहीं देगी? मुझे नहीं चाहिए लोगों से मांग कर खैरात में लिया हुआ जो। ज़ायदा तेरे सारे बल निकाल देगी, ये जो इतना करती फिरती है ना, सब लग पता जाएगा तुझे। जो भी होगा, कम अज कम उस घर में हराम की कमाई तो नहीं खाई जाएगी ना। अल्लाह करे तुझे ये माल नसीब हो। तू जो मुझ गरीब पे इल्जाम लगा रही है ना, खुदा ही तुझसे पूछे। माँ हो के बद्दुआ तो ना दे। ज्यादा बकवास ना कर, अपना काम कर। खामखा की बातें, और तू भी ये तय करके रख सारी चीजें, चल। जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। बेटी आपकी इम्तहान खत्म हो गए? जी बस कुछ रोज पहले ही खत्म हुए। वो ज़किया बेगम, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। कहिए। हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना अगले माह असद बेटे की और मोमिना की शादी हो जाए। शादी इतनी जल्दी? अरे आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है कि आप क्या सोच रही हैं। हमें ना तो जहेज चाहिए और ना कोई और चीज़। आपने अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत तोहफा हमें मिल नहीं सकता था। और हाँ, शादी बहुत छोटी होगी और सादगी के साथ। असद मियाँ ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप शादी की तारीख दे दीजिए।
अरे सितवत आपा, आपके तो इतने एहसानात हैं मुझ पर कि मैं तो शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकती। एहसान इंसान नहीं करता, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जो कुछ भी करता है अल्लाह ही करता है, हमें शुक्र भी उसी का करना चाहिए। तुम क्यों इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही हो? तुम्हें तो मेरे लिए प्यार दिखाई देता था ना? हाँ, दिखाई तो देता था। कि वो तो किसी और से प्यार करते हैं, मैं तो उसे दिखाई भी नहीं देती थी। इंसान कभी कभी अपने आप से भी धोखा खा जाता है, कभी कभार जानबूझकर। जस्ट लीव इट यार, सब एक लूजर। ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूं? जिसे भी मैं मोहब्बत करती हूँ उसे दूर चला जाता है। ऐसे तो मोहब्बत करने लगी थी, मैं तो मुझ पर तरस खाता था। Why did you do this to me? How could I be such a fool? मोहब्बत तो जिंदगी का इशू मत बनाओ। मैं नहीं बनाती, मैं तो सब कुछ भूल जाना चाहती। मैं दोबारा खड़ी हूँ तो फिर गिर जाती हूँ। Just relax and have। मेरा दिल फट रहा है, अपने दिल को संभालो। मैंने कमिट सुसाइड। फोन की सिली यार, तुम इस तरह डिप्रेस हो जाओगी, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती। लेकिन मैं अपने आप से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती थी। मगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लीव मी नगी, मेरी बात तो सुनो तुम। वो तो सब ठीक है आपा, मगर शाकिर अली, किश्वर अलीना से मिलने की जिद कर रही है। आपा, आप किश्वर भाभी को समझाए ना। अलीना तो कोई मसला है क्या? अलीना से मिल लेने में क्या हर्ज है? तुम ऐसा करो, उसे मेरे घर ले आओ, किश्वर यहीं पे उससे मिल लेगी। अलीना कैसे आ सकती है आपा, वो उसके पेपर्स हो रहे हैं। ओहो, तब तो वाकई मसला है। अगर उसके पेपर्स नहीं होते तो मैं जरूर उसे आपके पास ले आता। चलो कोई बात नहीं, मैं किश्वर को समझा दूंगी। और वैसे भी अब शादी को दिन ही कितने रह गए। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज़। बुला लेते किश्वर भाभी को, मिल लेती अलीना से, आखिर को वो उनकी होने वाली बहू है, इतना तो हक बनता है उनका। नुज़रत, सब कुछ जानते हुए भी तुम ये बातें कर रही हो? कब तक छुपाएंगे अपनी शराबी और आवारा बेटी की करतूतें उनसे? नुज़रत मत करो फजूल की बातें। तो क्या ये फजूल बातें हकीकत नहीं है? बहुत सी तल्ख हकीकतें इंसान अपने आप से भी छुपाता है। अपने आप से छुपाना मुमकिन है, मगर जमाने से तो नहीं। तुम आखिर कहना क्या चाहती? यही कि अलीना की असलियत जब उन पे खुलेगी ना, तो किश्वर भाभी ने एक दिन उसे नहीं रखना, फौरन तलाक हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या कर। जिस काम का आगाज मशकूक हो उसका अंजाम क्या होगा अब बेहतर समझ सकते हैं। चाय पी ले। तुम लोगों की अब्बा के फौत होने के बाद बस यही थोड़ा बहुत सामान मैं बना सकी तुम लोगों के लिए। और अम्मी, जो चीज़ें आपने जमा की हैं उनमें से कोई चीज़ इस काबिल नहीं कि आप ही को दी जा सके। अम्मी, आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है? हमारी गुर्बत या फिर बेबसी? दोनों बेटा। और अगर इन दोनों से ही बचने का कोई रास्ता ना हो तो क्या करे इंसान?
आंसू तो बहा सकता है ना बेटा। इन आंसू का भी कोई फायदा नहीं अम्मी। तो फिर क्या करे इंसान? जिस हिम्मत के साथ आपने सारी जिंदगी हमारी तरबियत की, आप आज वही हिम्मत छोड़ रही? माँ हूँ बेटा, खाली हाथ कैसे रुखसत कर दूँ? बस यही सोच के मेरा दिल कटा जा रहा। मैं खाली हाथ कहाँ हूँ अम्मी? अच्छी तालीम और तरबियत के साथ जिंदगी का शऊर देकर आप भेज रही, और सबसे बढ़कर आपकी इतनी सारी दुआएं हैं मेरे साथ, और दुआओं से बढ़कर तो कोई कीमती चीज नहीं ना। अपनी गरीब माँ का भरम रखना बेटा, अगर मुश्किलात भी आए तो झुकना नहीं, संभल कर चलना। बस आप वादा कीजिए जिंदगी के हर कदम पर आप मेरे साथ रहेंगी। माँ हूँ ना तुम्हारी, हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे लिए दुआएं करूंगी बेटा। तो फिर मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा जिसके साथ उसकी माँ की इतनी सारी दुआएं? एक बात कहूं, आपकी ये जो बहू है ना, माशाल्लाह बड़ी खुश नसीब है। आपके खानदान में ऐसे हसीन जेवरात किसी को नसीब नहीं होंगे। बस बुआ अपना अपना नसीब है। आदाब दादो। आदाब बुआ। आइए, ये आपकी बेगम के लिए जेवरात तैयार होकर आए, आप भी देखिए। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत। वैसे दादो मुझे यकीन है कि मोहना ने ख्वाबों में भी कभी ऐसी ज्वेलरी नहीं देखी होगी। बुआ जरा अच्छी सी चाय तो बना के लाइए प्लीज। हाँ बुआ, चाय हम भी पीएंगे। अभी लाइए। दिस इज वेरी प्रिटी दादो। हाँ बेटा, वादा कीजिए कि मोमिना के सामने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे उसको अपने कम हैसियत होने का एहसास हो। Really sorry दादा, मुझे वाकई अंदाजा नहीं हुआ कि मैं क्या कहूं। बेटा आला जर्फ लोग बात करने से पहले बहुत सोच समझकर अपने अल्फाज का इंतखाब करते हैं। हम तो ये चाह रहे थे कि मोमिना का ऐसा इस्तकबाल हो कि उसे किसी बात का एहसास ना हो। आप फिक्र मत करें, हम पूरे घर और सीढ़ियों में फूलों की चादरें बिछा देंगे, ऐसी लाइटिंग करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। वो तो सब कुछ होगा ही, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसी मोहब्बत और चाहत से उनका इस्तकबाल करें कि ख्याल ना सही, कम से कम अपने सारे कोट वगैरह सीढ़ियों पर बिछा जरूर सकता हूँ। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे हम तो आपकी उस मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी, ना आपके लिए और ना ही मोमिना के लिए। हम जानते हैं किसे? आपकी मोहब्बत और दीवानगी को। क्या मतलब? आजकल तो आप पूरे मजनू बने फिर रहे हैं। वाकई? ये तो आप अपने आप से पूछें। ठीक कह रही हैं आप, सच पूछे तो आजकल वाकई मैं पागल सा हो रहा हूँ, बिल्कुल मजनू सा, सिर्फ मोमिना के लिए। अब देखें चाय तो आई नहीं, मैं जा रहा हूँ। शुक्रिया बुआ। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम सलाम। आओ सिद्रा बेटा बैठो। क्या सी रही हैं?
अरे बेटा, ये कुछ कपड़े रखे थे मेरे पास, सोचा एक एक करके मोमना की जहेज के लिए जोड़े बना दूं। मोमना बाजी बहुत खुशकिस्मत है जिन्हें आप जैसी प्यार करने वाली माँ मिली है। अरे माएं सब एक जैसी होती हैं बेटा। नहीं आपा जी, हर माँ आपकी तरह प्यार करने वाली नहीं होती। आपा जी मेरी भी शादी होने वाली है। अच्छा, कब? बस कुछ ही दिनों में। पर मेरी माँ ये जहेज के नाम पर लोगों से खैरात इकट्ठी कर रही है। रशीदा को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पास जो कुछ है वो देना चाहिए, क्योंकि माँ की तरफ से बेटी को तो ये तोहफा होता है। वो मुझे कब दे रही है? तो अपने लिए जमा कर रही है। अच्छा चल, तू फिक्र ना कर, ऐसा ना सोच, अल्लाह तुझे भी बहुत नवाजेगा। मैं अभी आती हूँ। ये लो सिद्रा, ये लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। पापा जी क्या करें, मैं नहीं ले सकती है। अरे बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। अरे शागिर्द भी तो औलाद की तरह होते हैं ना, हैं? ये मेरी तरफ से अंगूठी तुम्हारे लिए शादी के लिए, और ये जोड़ा, कहे तो मैं सी के दे दूँ। नहीं, मैं सी लूंगी। Why don't you accept Sunny? मुझे वो क्यों नहीं मिल सकता जिसे मैं चाहती हूँ? तुमने असद को अपने असाब पे क्यों सवार कर लिया? दुनिया में वही एक अच्छा इंसान नहीं है? मालूम नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। पर हम जानते हैं कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। किसी और से क्यों, मुझसे क्यों नहीं? भी सिली यार, मोहब्बत कोई ये जूस का ग्लास नहीं है जिसे मैं पी रही हूँ, और इसे तुम्हें भी पीना पड़ेगा। लव स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स का नाम है यार। और मैं इस काबिल नहीं कि जिससे मैं मोहब्बत करूँ वो मुझसे भी करे। हाँ सनी तुमसे मोहब्बत करता है। मुझे उससे कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती। वाह, मुझे वो पहले भी बुरा लगता था और आज भी। तुम्हारी सोच है, पॉसिबल है कि तुम्हारा ओपिनियन उसके लिए मुख्तलिफ हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है खुद फरेबी। अलीना प्लीज चेंज योर व्यूज। मुझे पता है कि सनी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहा है। जिसे दिल नहीं मानता उसे दिमाग कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? उसके लिए ना मेरे दिल में कोई जगह है और ना दिमाग में। ही इज नथिंग फॉर मी, आई जस्ट हेट हिम। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अम्मी आप रो क्यों रही हैं? आप भी इतने अच्छे घर में जा रही हैं, और आज तो इनकी किस्मत पर हर कोई रश कर रहा था। अम्मी मुझे आपके आंसुओं की नहीं, आपकी दुआओं की जरूरत है। अरे मेरे बच्चे, मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, इस घर से अच्छा घर, इस जिंदगी से अच्छी जिंदगी, और बहुत सी खुशियां अल्लाह तुम्हें दे रहा है। लेकिन वहां पर आपकी खुशबू और आपकी मोहब्बत तो नहीं होगी ना? वहां सितवत आंटी और असद भाई जैसे मोहब्बत करने वाले लोग भी तो होंगे। हाँ बेटा, अच्छे लोगों की कदर करना, ऐसे अच्छे लोग किस्मत वालों को मिलते हैं बेटे।
और लगता है आप ही के नसीब तो अल्लाह मियां ने किसी स्पेशल कलम से लिखे हैं। हाँ बेटा, दुआ करो अल्लाह इसके नसीब को नजरें बद से बचाए और इसकी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। आमीन। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। आप ही आज तो वाकई हंसने में बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे तो हमेशा अच्छी लगती है। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरा। आप शराब? अरे कहा ना, इट्स जस्ट अ ड्रिंक, और वो भी एक्साइटमेंट में, खुशी में। वैसे भी आज मैं अपनी सेलिब्रेशंस इसके साथ करना चाहता हूँ। क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई? नहीं। क्या आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे? मसला आप नहीं, मेरी शादी थी। उस घर में तो हराम की कमाई को अल्लाह की रहमत और उसका फजल समझा जाता है। पापा जी, क्या मुझे वाकई अम्मा की बद्दुआ लगी है? सजा सजा में उलझने लगी हयात, दिन की तरह है दिन ना कोई रात जैसी रात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरात। हर एक रास्ता मुझे लगता है।